One hour later. ओ यार कितना टाइम लगेगा गाड़ी में यार स्टार्ट करने में, अभी तो ठीक था यार गाड़ी, बिल्कुल यार स्टार्ट ही नहीं हो रही। बस एक मिनट रुको भाई साहब, हो जाएगी। ये लो, हो गई। अबे ये क्या है, धुआं के तरी मेरी गाड़ी, धुआं तो पहले जा ही नहीं देती, क्या कर दिया तूने? अबे तेरी तो मैं बताता हूँ तेरे को, अभी रुक जा। अबे ये क्या कर दिया तूने, धुआं क्यों देने लगी, पहले तो धुआं दे नहीं देती ये गाड़ी। अरे भाई मैं तो मैंने अबे क्या मैंने यार इंजन का काम करवा लिया उसके बाद भी गाड़ी धुआं देती है यार, बहुत बड़ा ही मतलब मन में ना एक बहुत बड़ा विचार होता है कि यार ये गाड़ी का इंजन का काम करा लिया, पैसा लगा दिया, इतना ज्यादा टाइम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, मैकेनिक भी चल दिया, गाड़ी अब धुआं क्या है दे रही है भाई, इस दुख से पीड़ा से कैसे छुटकारा मिले। तो आज इस वीडियो में ना कम्प्लीटली आपको नॉलेज मिलने वाली है, और सच बता रहा हूँ इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया बिना स्किप किए तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी, आखिर ये मिथ क्या होता है, क्यों कैसे सॉल्व होता है। ओके तो जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यार ये जो गाड़ी है ये दे रही है व्हाइट धुआं, सफेद धुआं, और यार ये जो गाड़ी है ये दे रही है यार हमारी ब्लैक धुआं, यार बहुत बड़ा मिथ है यार ये। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, ये व्हाइट स्मोक और ब्लैक स्मोक का आखिर ये कॉम्बिनेशन क्या है, आखिर ये व्हाइट क्यों दे रही है, ब्लैक क्यों नहीं दे रही, और ये ब्लैक क्यों दे रही है, व्हाइट क्यों नहीं दे रही, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले। तो व्हाइट स्मोक की अगर हम बात करें तो व्हाइट स्मोक देखो ऐसे तो काफी सारे रीजन होते हैं, बट मैं कुछ ऐसे रीजन है जो बहुत पॉपुलर भी है और जिनकी वजह से सबसे ज्यादा समस्या आती है व्हाइट स्मोक की, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे ही सबसे पहले तो व्हाइट स्मोक के लिए होता है पिस्टन, पिस्टन के अंदर भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पिस्टन, पिस्टन की रिंग, रिंग डैमेज हो जाएंगी तो भी गाड़ी धुआं देगी। अब रिंग के अंदर भी दो चीजें होती है, प्रेशर रिंग और ऑयल रिंग, नीचे वाली दो रिंग है ये ऑयल रिंग होती है, ऊपर वाली दो रिंग प्रेशर रिंग होती है, इन दोनों में से जो डैमेज होगी ये ऑयल रिंग होगी पहले जब धुआं आएगा, प्रेशर रिंग से लेना देना कोई नहीं है इसका, सिर्फ ऑयल रिंग से लेना देना है। पिस्टन की बात करें तो पिस्टन अगर घिस जाएगा, टूट जाएगा, लूज हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक के अंदर तो भी गाड़ी स्मोक करेगी, ये तो हो गया पिस्टन का क्लियर। पिस्टन का क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं हेड की, हेड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वॉल, वॉल और वॉल सील होती है, अगर वॉल गाइड के पास प्ले आ जाएगी तो वॉल सील जल्दी खराब होगी और स्मोक यहाँ पे ऑयल आने की वजह से स्मोक आना चालू हो जाएगा। तो हेड के अंदर वॉल सील बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल और वॉल सील, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताइए ये किस गाड़ी का हेड है, कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने किस गाड़ी का हेड पकड़ा हुआ है, और इसमें चार वॉल है इसका मतलब चार वॉल सील है। अब हम इन दोनों चीजों की बात करने के अलावा हम दो चीजें और यहाँ पे मिस कर रहे हैं, हेड के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से ऑयल पैकिंग जो होती है वो फिटिंग नहीं होगी तो भी लीकेज होगी, यहाँ से कहीं से क्रैक हो जाएगा तो भी लीकेज होगी ऑयल की, क्योंकि अंदर ऑयल आएगा तो गाड़ी स्मोक करेगी। तो हेड और सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाइड स्मोक के लिए। अब सिलेंडर के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया लीकेज क्रैक होने से भी आ जाती है, ब्लॉक किट होती है उसके अंदर जो सीट होती है वहां पर क्रैकनेस आ जाती है, पैकिंग ठीक से नहीं लगी होती तो टाइमिंग चेन और हेड का जो क्योंकि साथ में वो जुड़ी होती है तो वहां से भी ऑयल अंदर आ जाता है और वहां से भी वाइट स्मोक आना चालू हो जाता है। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पिस्टन डाल दिया गाड़ी के अंदर और वॉल की सील और वॉल डाल दिया तो गाड़ी का धुआं बंद हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हुआ भी है, हमारे पास ऐसे केस आए भी हैं कि गाड़ी के में हमने पिस्टन डाला, वॉल डाला, वॉल सील डाला, अच्छे से पैक किया गाड़ी का, फिर भी स्मोक नहीं बंद हुआ क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक खराब था और हेड क्रैक था। हेड अगर क्रैक होगा तो भी ऑयल आएगा अंदर और गाड़ी स्मोक करेगी, और अगर ब्लॉक क्रैक होगा तो भी ऑयल ऊपर जाएगा गाड़ी स्मोक करेगी। तो ये दो मेन कारण थे व्हाइट स्मोक के। यार ऐसा नहीं है कि ये दो पॉइंट से ही आपने समझ लिया कि व्हाइट स्मोक बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइट स्मोक के रीजन बहुत ही सारे होते हैं, बट इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है हर किसी के लिए राइडर को जानना, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये दो पॉइंट समझने के बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। कुछ टाइम पहले मैं पेट्रोल पंप गया था, उस पेट्रोल पंप के खड़े होने के बाद ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि व्हाइट स्मोक और ब्लैक स्मोक का फर्क क्या होता है। तो जब मैं गया वहां पे देखा यार मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं तो मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया मुझे, पर उस सब्सक्राइबर की किसी पेट्रोल पंप वाले से झड़प हो गई थी, बात हो गई थी, मतलब ऐसी कोई भैंसा वैसी हो गई थी। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कैसे बात हो गई? तो उसने मुझे देखा एकदम से बोला राजवीर भाई, राजवीर भाई गाड़ी मेरी स्मोक कर रही है, पेट्रोल डलवाने से पहले स्मोक नहीं कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कुछ होता नहीं है गाड़ी में, और जब मैंने उसको बारीकी से देखा तो मैंने देखा कि उसके पेट्रोल के अंदर ऑयल मिक्स है। अब यार कॉमन सी बात है, जब ऑयल मिक्स होगा तो वो कार्बोरेटर से होता हुआ जाएगा, कार्बोरेटर से होता हुआ जाएगा तो पिस्टन के ठीक ऊपर आएगा, पिस्टन के ठीक ऊपर होता क्या है, ब्लास्ट होता है। अब जो कोई भी चीज ब्लास्ट में इंक्लूड होगी, मिक्स होगी, तो वो क्या होगा, उसका परिवर्तन बाहर निकलेगा। अब वो ऑयल है तो उसका ऑयल का परिवर्तन क्या निकलेगा, वो बिल्कुल व्हाइट स्मोक में निकलेगा। अगर वहीं आप किसी आग में टायर लगा रहे हो टायर, तो वो आग बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, एकदम कचरा निकलेगा उसमें, क्यों, क्योंकि टायर आपने डाल दिया गंदा, तो जैसा उसमें डालोगे वैसा वो निकलेगा, ठीक है। तो मैंने उसको देखा बारीकी से, मैंने बताया भाई आपने कौन सा पेट्रोल लगाया, तो पेट्रोल पंप वाले ने बोला भाई मैंने गलती से टूटी मिक्स वाला पेट्रोल डाल दिया। मैंने कहा भाई यार यही तो मेन प्रॉब्लम थी। तो इससे आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हमारी बाइक के इंजन में टूटी मिक्स वाला ऑयल वाला पेट्रोल जाएगा, या टूटी को साइड करता हूं, पेट्रोल में ऑयल मिक्स होकर जले जाएगा गलती से भी, या डीजल गलती से मिक्स हो गया गाड़ी में, या मिट्टी तेल गलती से मिक्स हो गया गाड़ी में पेट्रोल के अंदर, तो भी आपकी बाइक व्हाइट स्मोक करेगी। और इस सिचुएशन में आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग भी शॉर्ट हो सकता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है, लॉन्ग स्टार्ट
स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट यहाँ बात हो रही है व्हाइट स्मोक की। अगर आप एक बाइक को एक लंबे टाइम तक के लिए खड़ा कर दो, बहुत लंबे टाइम तक के लिए आपने पेट्रोल डाल के गाड़ी में छोड़ दिया 2 लीटर और गाड़ी लंबे टाइम तक के लिए खड़ा कर दी, यहाँ पर होगा क्या? पेट्रोल एक गैसोलीन पदार्थ है। जब पेट्रोल हवा के संपर्क में आएगा तो वो भाप बन के उड़ेगा, भाप तो नहीं बोलूंगा पर वो हवा की तरह उड़ेगा। अब जब वो उड़ता रहेगा तो पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड होते हैं जो वो नहीं उड़ सकते, वो गाड़ी में ही रहेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा दूध होता है, दूध हम उसको फेड़ते रहते हैं, वो गाढ़ा होकर उड़ता रहता है और रबड़ी बनता रहता है। एक ऐसा टाइम आता है वो बिल्कुल रबड़ी बन जाता है, पर वो दूध उड़ चुका होता है तो इतना गाढ़ा हो जाता है। पेट्रोल का भी एग्जांपल मैं इसके तरीके समझाता हूँ। पेट्रोल जब उड़ता रहेगा तो पेट्रोल अंदर गाढ़ा होता रहेगा और जब वो गाड़ी स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, लॉन्ग स्टार्टिंग होगी, पर आपकी बाइक उस टाइम भी धुआं देगी। जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल में ऑयल जाएगा तो ही धुआं देगी, तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और है। एक टेक्नीशियन ने हेड में ऑयल डाला स्टार्टिंग में, आपने देखा, और साइलेंसर से स्मोक आना चालू हो गया व्हाइट। उसके बाद कस्टमर टेक्नीशियन के साथ फाइट करना चालू कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां मिसकम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि उसने ऑयल डाला हेड के अंदर, वहां ऑयल आ गया, जहां पेट्रोल होता है वहां ऑयल जाएगा, ब्लास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जल के ऑयल तो बाहर ही आएगा, साइलेंसर से कचरा निकल के, इसलिए व्हाइट स्मोक आया। अब क्या होता है ऐसे केस में, व्हाइट स्मोक आ रहा है, थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा या कुछ किलोमीटर बाद ही वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो ऑयल रहेगा हेड के अंदर जब तक व्हाइट स्मोक आएगा फिर खत्म हो जाएगा। अब कुछ केस में क्या होता है, गाड़ियां स्मोक कर रही है, लोग है भाई बजट नहीं है या बहुत सारी चीजें होती है, अच्छा टेक्नीशियन नहीं मिल रहा या टाइम नहीं मिल रहा काम कराने का, तो काम नहीं करा पाते, वो सर्विसिंग करा करा के और ऑयल को फुलफिल करा के टॉपअप करा के गाड़ी चलाते रहते हैं। जब उनको टाइम मिलता है तो इंजन का वर्क कराते हैं, लेकिन जब वो उस टाइम पे जब वो फुलफिल करा रहे होते हैं इंजन ऑयल को इंजन के अंदर और गाड़ी स्मोक कर रही होती है, तो स्मोक ना बाहर जो निकल रहा होता है उससे पहले कुछ कचरा अंदर आके वहां जम जाता है साइलेंसर की फिल्टर्स के ऊपर। वो जमने के बाद वो निकलता नहीं है बाहर, वो जमता रहता है गाड़ी चलती रहती जमता रहता है, फिर वो ब्लॉक होने लगता है, गाड़ी में प्रेशर की इशू आने लगती है, फिर प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो कस्टमर बोलता है काम करा लेते हैं। अब इंजन का तो काम करा लिया उसने, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी गाड़ी में स्मोक आ रहा है व्हाइट वाला। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि साइलेंसर के अंदर जो कचरा जमा हुआ है वो जल रहा है, वो हीट होकर जल के फिर बाहर निकल रहा है। जब तक वो जलता रहेगा हीट होता रहेगा ऑयल वहां से धुआं आता रहेगा। अब डिपेंड करता है धुआं कब तक आएगा, ये डिपेंड करता है कचरा कितना है। ये डिपेंड पता है किस पे करता है, इस पे करता है। अब ये देखो उंगली बिल्कुल साफ है, फिर उसके पिछवाड़े में उंगली डालूंगा, ये देखना, ये देखो, देख रहे हो ये जो कचरा है, इस कचरे को हम ध्यान देंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी हमारी परमानेंट। ज्यादातर हमारे पास जो बाइकें आती हैं वो बाइकें यही केस में आती है कि यार मेरी बाइक का स्मोक खत्म नहीं हो रहा, मैंने यहाँ इंजन बनवाया, मैंने वहाँ इंजन बनवाया, मैंने यहाँ काम कराया, मैंने वो मैकेनिक चेंज कराया, मैंने 500 मैकेनिक चेंज कर दिया, 50 मैकेनिक चेंज कर दिए। मैकेनिकों में कमी नहीं होती, मैकेनिक नॉलेज के ऊपर ही वो काम करते हैं। और यहाँ पर ये साइलेंसर जो होता है इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरी उंगली देख रहे हो पूरी काली हो गई, ऐसे ही पूरी की पूरी लाइन जो होती है साइलेंसर की जब यहाँ तक आ गई, ये स्टार्टिंग की लाइन नहीं है, ये एंड की लाइन है, स्टार्टिंग की लाइन होती है ये वाली। पर आप देखोगे यहाँ पर मैं उंगली डालूंगा तो यहाँ वो साफ उंगली नहीं निकलेगी, पर ये गंदी निकली, पर इतनी गंदी निकलेगी जितनी पीछे से निकल रही है, यहाँ पे आग लगती है। अब आप चीज को समझो, आपने इंजन का काम करवा लिया, आगे से आग निकल रही है, धुआं बंद हो गया इंजन का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो आग निकल रही है उसके अंदर गर्माहट जो है उसकी वजह से कचरा जल जल के बाहर निकल रहा है और आपकी गाड़ी के स्मोक में परिवर्तित हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, साइलेंसर को चेंज कर देंगे। कंपनी तो यही कहती है कि साइलेंसर चेंज करना चाहिए, बट कुछ ऐसे मैकेनिक हैं जो साइलेंसर बहुत महंगा आने की वजह से उसको साफ कराने की रिकमेंडेशन देते हैं, उनमें हम भी हैं और भी बहुत सारे होंगे। उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि सारे ही क्लाइंटों का साइलेंसर डलवाने का बजट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल साइलेंसर बहुत महंगा आता है, मैं आपको 2-3 साइलेंसर के रेट बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। 220 का साइलेंसर 20,000 रुपए के आसपास का है, हॉर्नेट का साइलेंसर 10,000 रुपए के आसपास का है, मतलब बल्कि इससे ऊपर ही होगा। स्प्लेंडर का भी साइलेंसर 5,000 रुपए के आसपास का है, विक्रांत का साइलेंसर 5,500 के आसपास का है। तो 5,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000, इन सबकी क्वांटिटी को देखते हुए यार इतना महंगा साइलेंसर कोई बहुत ही कॉमन है कि कोई डलवा ले। ये जितने भी मैंने साइलेंसर के रेट आपको बताया एग्जैक्टली नहीं है, ये एक अनुमान है, पर इतना है कि साइलेंसर काफी कॉस्टली आता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं मैकेनिक, खराब वाले के पास जाते हैं और इस वाले एरिया को यहां से कटवा के सफाई कराते हैं, यहाँ से कटवा के सफाई कराते हैं और यहाँ से कटवा के सफाई कराते हैं। इन तीनों जगह से सफाई कराने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट हर साइलेंसर में ये तीन जगह से साइलेंसर साफ कराना जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है कितनी जगह से यहाँ पे गंदगी भरी हुई है, ये खराद वाला हमारा वो क्लियर कर देता है। आप भी अगर चाहो तो ये चेक करवा सकते हो अपने खराद वाले से और उसको दिखवा सकते हो, पर काफी ऐसे केसेस भी होते हैं खराद वाला आलस कर जाता है और वो यहाँ से कटिंग वटिंग ना करके वो सीधा एक आग लगाता है बत्ती गैस वेल्डिंग की और इसमें घुसेड़ देता है और वो ये सोचता है कि यहाँ से बत्ती लगाऊंगा तो यहाँ साफ हो जाएगा। मैं बता देता हूँ ये बिल्कुल गलत है, साइलेंसर ऐसे साफ सही तरीके से नहीं होता है। हाँ अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है और आपकी गाड़ी धुआं दे गई है और उसके बाद भी साइलेंसर से थोड़ा कचरा वचरा भरा हुआ निकला हुआ है तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, बट हर किसी में ये अप्लाई नहीं होता, ज्यादातर केस में ये अप्लाई नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमने आपसे शेयर कर दिए हैं जो व्हाइट स्मोक से रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक स्मोक के बारे में, क्योंकि ब्लैक स्मोक उतना ही अहमियत रखता है जितना व्हाइट स्मोक आपको जानना अहमियत रखता है। अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली और इस वीडियो को आपको अच्छी लगी, इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। हम ब्लैक स्मोक के पॉइंट पे बात करते हैं। ब्लैक स्मोक के सबसे बड़े दो कारण होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, एक गाड़ी के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग
ओपनिंग ठीक से ना हो पाना, दूसरा वॉल का लीकेज होना, हेड के अंदर जो वॉल होता है अगर वो लीकेज है तो भी ब्लैक स्मोक आएगा, अगर गाड़ी की प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है तो भी गाड़ी का ब्लैक स्मोक आएगा ही आएगा। ये दो बहुत बड़े मेन बड़े रीजन होते हैं। अब बात करते हैं अगर वॉल लीकेज होंगे तो क्यों होते हैं और क्या कारण होता है उसका। अगर वॉल लीकेज होंगे तो वहां पे एक्स्ट्रा मिक्सचर आएगा हेड के ऊपर, पिस्टन के ऊपर एक्स्ट्रा मिक्सचर आएगा, जिस वजह से जो स्पार्किंग होती है इसके ऊपर प्रॉपर ब्लास्ट नहीं कर पाएगा और आधा काला धुआं निकल जाएगा। अब बात करते हैं कार्बोरेटर की, अगर कार्बोरेटर और एयर का फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर नहीं होगा कैलकुलेट तो भी ब्लैक धुआं आएगा। अब इसके ना होने के रीजन बहुत सारे होते हैं। देखो एयर फिल्टर ब्लॉक होगा, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी कार्बोरेटर को, मिक्सचर सेटिंग नहीं हो पाएगी, ट्यूनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ब्लैक धुआं आएगा। करंट गाड़ी के स्पार्क प्लग में प्रॉपर करंट नहीं जाएगा तो भी गाड़ी का ब्लैक धुआं आएगा, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी गाड़ी की। कार्बोरेटर ब्लॉक होगा, प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होगा, ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी गाड़ी की, ब्लैक धुआं आएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है काले धुएं आने का। अब बात उसके अलावा आपको बताया राजवीर जी ने साइलेंसर के बारे में, तो बताया ये कि साइलेंसर में कचरा होगा तो भी काला धुआं आता है, क्योंकि कचरे भी कई प्रकार के होते हैं ना यार। सबसे बड़ा पॉइंट एक और होता है, आपने देखा होगा पहले के टाइम में सीवीजेड एक्सट्रीम आती थी जिसके यहाँ पर चॉकलीवर दिया जाता था, और काफी ज्यादा ऐसा होता था केसेस में कि वो चॉकलीवर जाम हो जाता था जिसकी वजह से गाड़ी में काला धुआं आने लग जाता था। काफी सारे लोग मेरे पास आते थे, बोलते थे यार ये गाड़ी काला धुआं क्यों दे रही है, तो मैं उनको समझाता था भैया चौक जाम हो गई है, इस वजह से काला धुआं दे रही है, चौक जाम होने की वजह से ट्यूनिंग आउट हो गई है। ट्यूनिंग एक्चुअली में होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सिंपल से वे में। ट्यूनिंग का मतलब होता है सही मात्रा में पेट्रोल, सही मात्रा में एयर, इन दोनों का मिश्रण बनता है, हेड में जाता है, ब्लास्ट होता है और अच्छे से तरीके से परफॉर्मेंस एक गाड़ी को देखने को मिलती है। वहां पे अगर ट्यूनिंग आउट हो जाती है, दोनों लड़ाई आपस में लड़ाई हो जाती है, मतलब एयर में और पेट्रोल में, और वो दोनों गड़बड़ हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चौक की वजह से। ठीक है, एक तो पॉइंट ये होता है जो बहुत बड़ा पॉइंट है, चौक आउट होने, चाहे वो ऑटो चौक हो, चाहे वो मैनुअल चौक हो, चाहे कोई सी भी चौक हो, अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगी तो आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग आउट होगी और आपकी गाड़ी काला धुआं देने में लग जाएगी। और यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था, मेरे से बोला था मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही है, पहले ये गाड़ी काला धुआं नहीं दे रही थी, काला धुआं अब देने लग गई है मिसिंग करने के बाद। जब मैंने देखा यार इस गाड़ी काला धुआं दे क्यों रही है, सबसे पहले मैंने देखा और मैंने देखा यार ये मिसिंग वाले पॉइंट को पकड़ता हूँ, काला धुआं उसके बाद समझ में आएगा। पर जब देखा तो इसका कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक, इंजन भी बिल्कुल ठीक, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भी सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक था, उसकी दिक्कत क्या, और नई गाड़ी थी उसकी। पर बाद में मुझे पता लगा कि भाई उसकी जो एसटी कॉइल होती है उसकी वायर लूज थी, HT कॉइल की अगर वायर लूज होगी तो वायर लूज होने से क्या होगा। देखो यार समझो बात को, आपने गाड़ी की चाबी ऑफ कर दी और किक मार रहे हो, बहुत सारी किक मार रहे हो, किक मार रहे हो, किक मार रहे हो। मैं बता दूं आपको, चाबी ऑफ होने पर भी जितनी बार आप किक मारोगे एयर और पेट्रोल हेड में जाएगा, और जब वो हेयर में एयर पेट्रोल जाएगा तो दिक्कत आपको सामने देखने को मिलेगी। जैसे ही आप चाबी ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करोगे लॉन्ग स्टार्टिंग होगी, या फिर हो सकता है प्लग भी शॉर्ट हो जाए। और ये गाड़ी की अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गाड़ियों में, कार्बोरेटर वाली BS4 गाड़ी में, BS6 में अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो इंजेक्टर वाली गाड़ियां होती है। ठीक है, इंजेक्टर वाली गाड़ियों में भी अगर HT कॉइल खराब होगी तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे समझते हैं HT कॉइल खराब होने से क्यों दिक्कत आती है। पिस्टन के ऊपर हमने गाड़ी में सेल्फ मारा, उस टाइम HT कॉइल का वायर लूज है, हमने जैसे सेल्फ मारा पेट्रोल एयर आ गया, अब उसे चाहिए लाइटर यानी कि एक चिंगारी, इसकी वजह से वो उसमें आग लगे, ब्लास्ट और गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वहां से एकदम परफेक्टली गैसेस बाहर निकले। पर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है आपकी बाइक में जो HT कॉइल उसकी वायर लूज, और जैसे ही आपने गाड़ी में सेल्फ मारा HT कॉइल वायर लूज है, करंट नहीं आ रहा, पर पिस्टन वर्क कर रहा है और उसके अंदर एयर और मिक्सचर भी आ रहा है। पिस्टन पे एयर मिक्सचर ज्यादा जमा होने की वजह से जैसे ही HT कॉइल करंट देगी उसमें होगा क्या, उस सिचुएशन में आपकी बाइक में एकदम से मिसिंग वाला पॉइंट आएगा और आपकी बाइक जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो जैसे ही काला धुआं निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर ज्यादा हो गया, ज्यादा मिक्सचर और धुआं ज्यादा निकलेगा। क्योंकि यार देखो ये वाली जो कॉइल है ना, इस कॉइल को इतना ज्यादा नहीं बनाया गया कि इतने सारे पेट्रोल को एक बार में जला सके, ये उतना ही जलाएगी जितना इसकी क्षमता है। उस क्षमता के हिसाब से पेट्रोल अगर इस पे ज्यादा जाएगा तो इसने कम जला दिया पेट्रोल, आसपास का जो एक्स्ट्रा पेट्रोल था वो बचा रहेगा और जिसकी वजह से गाड़ी में वो काले धुएं में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ब्लैक स्मोक में। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बारे में समरी में समझ लेते हैं। समरी के अंदर ब्लैक धुएं की अगर हम देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूनिंग। अगर गाड़ी की प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होगी तो गाड़ी में स्मोक आएगा काला। ट्यूनिंग ना होने के रीजन क्या क्या है, HT कॉइल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर करंट नहीं जाएगा स्पार्क प्लग के अंदर या स्पार्क प्लग के थ्रू मिक्सचर के अंदर जल के ब्लास्ट नहीं होगा तो भी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक से नहीं होगी। कार्बोरेटर के अंदर चौक होती है, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो भी ट्यूनिंग ठीक से नहीं होगी। एयर फिल्टर गाड़ी का ब्लॉक होगा, ठीक से काम नहीं करेगा तो भी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक से नहीं होगी। साइलेंसर गाड़ी का ब्लॉक होगा, ठीक से उसकी गैस बाहर नहीं निकलेगी तो भी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक से नहीं होगी। ये है समरी। और क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है आपके हिसाब से, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि आपने सब चीजें करके देखी और गाड़ी ठीक नहीं हो पाई, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आपने इस वीडियो से देखते हुए कुछ समझा है, कुछ सीखा है, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी भी चीज से हम सीखते हैं और ज्ञान लेते हैं तो उस वीडियो को लाइक करे बिना नहीं छोड़ते, पसंद करे बिना नहीं छोड़ते, शेयर करे बिना नहीं छोड़ते। और अगर वो यूट्यूब चैनल है ARB ब्रदर्स का तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं छोड़ते। अभी जाओ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल से लाइक, मतलब एक तरीके से वीडियो को लाइक कर दो। और हां एक चीज और, कमेंट करके अपनी क्वेरी बताना। और एक बहुत बड़ा पॉइंट, अगर आपकी भी गाड़ी में ब्लैक स्मोक या व्हाइट स्मोक आ रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हुआ, तो आप हमारी वर्कशॉप पे आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो बहुत ही ज्यादा इजी वे में। हमारी वर्कशॉप की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो ARB ब्रदर्स वर्कशॉप, तो आपको पूरी डिटेल वर्कशॉप की मिल जाएगी। ट्यूसडे को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है, बिना अपॉइंटमेंट के काम हम नहीं करते हैं। बाकी आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।